हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम अकरांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो अ से ख़त्म होते हैं और पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे हाथी, हिरण, छात्र, बालक, इस तरह से। तो सह कह अस्ति, सह मतलब वह कौन है। सह गजह अस्ति, गजह मतलब हाथी, वह हाथी है। गजह किम करोति, हाथी क्या करता है। गजह धावती, हाथी दौड़ता है। सह क अस्ति, वह कौन है, वह बालक है। सह बालकः अस्ति, बालकः किम करोति, किम मतलब क्या, बालक क्या करता है। बालकः नमति, नमति मतलब नमस्कार करता है। सह क अस्ति, वह कौन है। सह वानरः अस्ति, वानर मतलब बंदर, वह बंदर है। वानरः किम करोति, बंदर क्या करता है। वानरः कूर्दति, कूर्दति मतलब कूदता है। तौ कौ स्तः, वे दोनों कौन हैं, वे दोनों छात्र हैं। तौ छात्रौ स्तः, छात्रौ किम कुरुतः, दोनों छात्र क्या करते हैं। छात्रौ पठतः, दोनों छात्र पढ़ते हैं। इसके बाद ते के संति, वे सब कौन हैं। ते मतलब वे सब, वे सब कौन हैं, वे सब मृग हैं, हिरण हैं। ते मृगः संति, मृगः किम कुर्वन्ति, हिरण क्या करते हैं। मृगः धावन्ति, हिरण दौड़ते हैं। इस तरह से बच्चों आपने देखा, यहाँ पर हमने अकरांत, जो अ से ख़त्म होते हैं, उन पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर इससे जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे पहला प्रश्न है, बालकः किं करोति, बालक क्या करते हैं। बालकः नमति, नमस्कार करते हैं। इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, बालकः नमति। अगला प्रश्न, छात्रौ किं कुरुतः, छात्र क्या करते हैं। छात्रौ पठतः, इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, छात्र पढ़ते हैं। ते के संति, ते वे सब कौन हैं। ते मृगाः संति, वे सब हिरण हैं। के धावन्ति, कौन दौड़ते हैं, मृगाः धावन्ति। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को पढ़ करके इनसे जुड़े हुए आंसर लिख सकते हैं इस लेसन को पढ़ के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसी तरह से हम अगले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में कोस्ट ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से हमें कुछ को एक को चुन करके लिखना है। जैसे सह लिखती, यहाँ पर सह और तव दो में से किसी एक को लिखना है, तो एक वह के लिए यूज़ होता है लिखती, सह लिखती। रामः गच्छति, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गच्छति। खादन्ति, सह तव ते इस्तेमाल करते हैं बहुवचन के लिए, तो ते खादन्ति, वे सब खाते हैं। तौ क्रीडतः, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तौ वे दोनों खेलते हैं। इसी तरह से वदति, सह वदति। इस तरह से हम इन दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।